बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो रेसिपी मैं लेकर आई हूँ, एक मेरी बहुत प्यारी व्यूवर हैं अलीज़ा फ़ारिस, उन्होंने फरमाइश की थी कि बिहारी कबाब की रेसिपी शेयर की जाए, बिहारी बोटी बिहारी कबाब की। तो आज मैं उसकी बहुत ऑथेंटिक रेसिपी लेकर आई हूँ। अगर आप रेसिपी को बिल्कुल फॉलो करते हुए बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपके जो है बिहारी कबाब बहुत ही ज़बरदस्त बनेंगे। ठीक है, तो हम जल्दी से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मैं इनको बैम्बू स्क्यूवर्स पर बनाऊँगी घर में। अगर आप कमर्शियल लेवल पर, जैसे अगर आप बारबेक्यू कर रहे हैं और आप जो है वो कोल वगैरह पर बना रहे हैं, तो फिर आपने जो है वो इसके जो गोश्त का साइज़ रखना है बोटियों का, वो आपने थोड़ा बड़ा रखना है। क्योंकि मैं घर पे बना रही हूँ, इसलिए मैंने ये इस तरीके से लेके और मैंने इस तरीके से फ्लैट कर लिए हैं, और कुछ जो है वो मेरे पास इस तरह की हैं और कुछ जो है वो छोटी जो है बोटी भी है। ठीक है, तो मैं इसमें आपको मैरिनेशन बताती हूँ। वैसे अगर आपने बड़े लेवल पे बनाने हों तो तब आप जो है वो इसको बूचर से कटिंग करवा सकते हैं, और वो बहुत ही अच्छी सी आपको जो है वो बिहारी कबाब की कटिंग करके देंगे। ठीक है, ये तकरीबन 1 किलो जो है मेरे पास मीट है। इस मीट के अंदर जो है हम जो है अपने इंग्रेडिएंट्स शामिल करना शुरू करते हैं। कबाब बहुत ही ज़बरदस्त बनेंगे। मेरे पास कच्चा पपीता है, ठीक है, ये मैंने 2 टेबलस्पून जो है भर के यूज़ कर दिया है, इसमें डाल दिया है 2 टेबलस्पून से, बल्कि मैंने थोड़ा सा ज़्यादा ही डाला है। अच्छा, लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर रही हूँ मैं इसमें, तकरीबन 4 टेबलस्पून, सॉरी 4 टीस्पून और 2 टेबलस्पून जो है वो मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें शामिल किया है। उसके बाद ड्राई इंग्रेडिएंट्स में जो चीज़ें हम इसमें शामिल करेंगे, सबसे पहले मैं रेड चिली पाउडर यूज़ कर रही हूँ, ये तकरीबन जो है मैं इसमें 2 टेबलस्पून शामिल करूँगी। होल होममेड गरम मसाला है, घर का पिसा हुआ मेरे पास, ठीक है, ये हम इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून। इसी के अंदर जो है वो जायफल जावत्री भी ऐड है, ठीक है, ये होल गरम मसाला है जिसमें जायफल जावत्री भी ऐड है, ये हम इसमें शामिल करेंगे। ज़ीरा है पिसा हुआ मेरे पास, क्रश समझ लें आप, इसके अंदर दोनों ज़ीरे हैं, ब्लैक भी है और वाइट ज़ीरा भी है, ठीक है, ये मैं 1 टीस्पून शामिल करूँगी इसमें। ब्लैक ज़ीरा जो होता है उसका फ़्लेवर जो होता है वो बहुत ही ज़बरदस्त सा एक फ़्लेवर होता है, तो इसलिए आप इसमें ज़रूर शामिल कीजिएगा। उसके पास ये धनिया है मेरे पास, ठीक है, ये क्रश्ड है, ये भी तकरीबन मैं इसमें 1 टेबलस्पून शामिल करूँगी। नमक जाएगा इसमें हमारा 1 टीस्पून, ठीक है, 1 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा, और अकॉर्डिंग आपके टेस्ट होगा। उसके अलावा मैं इसके अंदर थोड़ी सी अजवाइन, ये देख लीजिए पिंच ऑफ अजवाइन जो है वो मैं इसमें ऐसे हाथों से और ज़्यादा क्रश करके मैंने इसमें शामिल की, बहुत थोड़ी सी अजवाइन मैंने इसमें डाली है। योगर्ट जाएगा इसमें तकरीबन जो है वो ये 4 टेबलस्पून है तकरीबन, ठीक है, योगर्ट शामिल किया मैंने 4 टेबलस्पून, थोड़ा सा गाढ़ा होना चाहिए, पतला नहीं होना चाहिए, 4 टेबलस्पून ये है। और ये मेरे पास एक बड़े साइज़ की प्याज थी जिसको मैंने ब्राउन किया, और उसके बाद 2 टेबलस्पून जो है वो दही के साथ मैंने इसको इस तरह से जो है वो थोड़ा सा जो है वो ग्राइंड किया है, ठीक है, वो मैं इसमें शामिल करूँगी। ड्राई इंग्रेडिएंट्स में बस इसके अंदर सिर्फ ये चीज़ें जाएंगी। अच्छा, इसकी एक बहुत मेन, एक जो बिहारी बोटी की एक मेन चीज़ होती है वो होता है जनाब कि इसके अंदर जो है वो ज़्यादातर क्या यूज़ किया जाता है, इसके अंदर सरसों का ऑयल यूज़ किया जाता है, ठीक है, लेकिन बहुत सारे लोगों को सरसों का ऑयल इतना पसंद नहीं होता, तो ये नहीं है कि आप उसके बगैर बना नहीं सकते, बिल्कुल आप बना सकते हैं। आप इसमें नॉर्मल अपना ऑयल यूज़ कीजिए या फिर आप इसके अंदर घी यूज़ कीजिए, ठीक है। अच्छा, मैं क्या करूँगी, मैं मेरे बच्चों को भी जो है वो सरसों के तेल के फ्लेवर नहीं पसंद, तो मैं 2 टेबलस्पून इसमें घी के ऐड करूँगी, इससे बहुत अच्छा इसका फ्लेवर आएगा, ठीक है, ये 2 टेबलस्पून जो है मैं इसमें घी के ऐड करूंगी, और 2 ही टेबल स्पून जो है मैं इसमें
ऑयल के ऐड करूँगी, ठीक है। तो आप में ये दोनों चीज़ें अगर आप चाहें तो जस्ट आप ऑयल भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने 2 टेबल स्पून जो है वो इसमें ऑयल यूज़ किया। अब हमारे सारे इंग्रेडिएंट्स कंप्लीट हैं। अब हमने क्या करना है, इसको बहुत अच्छे से हमने इसको जो है मिक्स करना है, इसकी मैरिनेशन को। इस स्टेज पे आप चाहें तो आप इसमें थोड़ा सा जो फूड कलर होता है आप इसमें ऐड कर सकते हो कलर के लिए, और अगर आप ना करना चाहो तो कोई इशू नहीं है, आप ना कीजिए, ठीक है। मैं दी है, ठीक है। मैरिनेशन हमारी कंप्लीट हो गई है, इसको रखूंगी मैं ओवरनाइट के लिए, और उसके बाद जो है फिर मैं आपको इसका नेक्स्ट स्टेप बताती हूँ। जी तो ये देख लीजिए, आप तकरीबन जो है ओवरनाइट का मैंने इसको स्प्रे दिया था, आप 4 to 5 hours का भी दे सकते हैं, ये अच्छे से मैरिनेट हो गया है। अच्छा ये देख लीजिए, बैम्बू स्टिक्स है मेरे पास, ये शास्त्री स्टिक्स हैं और इस तरह के स्टिक्स हैं, हम इसमें बनाएंगे, ठीक है। मैं 2 तरह से बनाऊंगी, एक मैं ग्रिल पैन पे बनाना आपको बताऊंगी नॉर्मल जैसे हम अपने चूल्हे पे बनाते हैं, और एक जो और कुछ जो है वो मैं जो है आपको ओवन में बनाना बताऊंगी। दोनों तरीकों से आप बना सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्क्वायर्स लेंगे, जो मैं शाश्लिक स्टिक्स जो मैं इस वाले स्टिक्स पे बनाऊंगी ये मैं ग्रिल करूंगी, और जो मैं अवन में बनाऊंगी तो वो मैं बड़े स्टिक्स पे बनाऊंगी। अगर आपके पास जो है वो सीखे हो तो आप उसमें भी बना सकते हैं, आप बारबेक्यू भी कर सकते हैं इसका, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले जो है वो इसको स्क्वायर्स में लगाना शुरू करेंगे, और इस तरीके से जो है हम इसको लगाते जाएंगे। ये देख लीजिए, ये थोड़ा सा बड़े साइज़ की जो है इसको लगाने का तरीका ये है कि आपको इसको इस तरीके से इसमें पिरोना है, ठीक है, इस तरह से, ठीक है, इस तरीके से आपने जो है वो इसको लगाते जाना है। इसी तरीके से हम सारे स्क्वायर्स लगाते हैं, और लगाने के बाद फिर मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ, ठीक है। ये इस तरीके से मैंने लगाई, एक तैयार की, मैं सारी तैयार करके रखती हूँ और फिर मैं आपको इनकी फाइनल लुक चेक कराती हूँ। अच्छा ये देख लीजिए, मैंने सारी जो है वो बारबेक्यू को अपने जो है बिहारी बोटी को स्क्वायर्स में लगा दिया है। अब हाफ जो है मैं ओवन में आपको करके दिखाऊंगी, और हाफ जो है मैं हम अपने ग्रिल पैन पे करेंगे। तो पहले हम चलते हैं अपने ग्रिल पैन की तरफ, और वो मैं आपको दिखाती हूँ, उस पर हम अपने स्क्वायर्स रखते हैं और फिर हाफ स्क्वायर्स जो है मैं अपनी ओवन में रखती हूँ। अच्छा जी, मैंने ग्रिल पैन ले लिया है, फ्लेम मैंने ऑन कर लिया है। इस ग्रिल पैन को हल्का सा हम ग्रीस करेंगे, ठीक है, हमने कोई ज़्यादा ऑयल नहीं डालना क्योंकि ऑलरेडी हमारी जो है वो बिहारी बोटी के अंदर मैरिनेशन के टाइम हम ऑयल ऐड कर चुके हैं, इसलिए जस्ट हमने अपनी ग्रिल को जो है वो ग्रीस करना है, ठीक है। ये मैंने जो है वो ग्रीस कर दी है, और पैन तकरीबन हमारा गरम हो गया है। तो इस स्टेज के ऊपर जो है वो हम अपनी स्क्वायर्स को इसमें रखेंगे, फ्लेम हमने ज़्यादा हाई नहीं करनी, ठीक है। ये जितनी छोटी वाली जो मैंने बनाई है ये सब जो है मैं इसमें रखूँगी, कोशिश करेंगे हम के सब ही हमारी आ जाए, ठीक है, ठीक है। ये अच्छा फ्लेम जो है वो हमने लो रखना है, ज़्यादा हाई नहीं करना, मीडियम फ्लेम रखना है, हमने हाई फ्लेम के ऊपर इसको नहीं बनाना, के अंदर रख रहे हैं। ठीक है, ये रख दिया हमने ओवन में, ठीक है, और टेम्परेचर 180 है, और ये 10 से 15 मिनट में बन के बिल्कुल तैयार हो जाएंगी।
तरह से ये हमारी मज़ेदार सी बिहारी बोटी बनके तैयार हो गई है। कुछ मैंने अवन में बनाई हैं और कुछ मैंने ग्रिल की हैं। माशाल्लाह से बहुत सुपर सॉफ्ट और ज़बरदस्त बनके तैयार हुई हैं। बिल्कुल जो है वो ज़बरदस्त कमर्शियल लेवल की आपको ये लगेंगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ फिर किसी अच्छी और नई रेसिपी के साथ। जब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।